यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबको बताती हूँ, आज मेरा फर्स्ट पेपर है और हम लोग मेट्रो स्टॉप पे पहुँच चुके हैं और कलमा चौक भी पहुँच चुके हैं और भाग रही हूँ मैं फटाफट की ना। हमारे जो पेपर का टाइमिंग थी वो थी तकरीबन 1 बजे का टाइम था, मगर अभी हमें कॉलेज की तरफ से इन्फॉर्म हुआ है कि 12 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है, हमें 12 बजे वहाँ पहुँचना चाहिए। और कॉलेज वाले जो है ना वो टैक्स भी 12 बजे की है। नूरीन वही आराम से चल रही। जब अचानक हम लोगों ने मोबाइल ऑन किया तो उसमें ना ग्रुप में ना मैम ने ना वॉइस मैसेज किया हुआ था कि आप लोगों ने ना पूरे 12 बजे का रिपोर्टिंग का टाइम है और आप लोगों ने ना वहाँ पे पहुँच जाना है। और किरण को बैलेंस करवाने के लिए मैं कहती कल करवा ला, मैं किरण ने कहा कि मैंने आज ही बैलेंस करवाना है और उसने चेक भी कर लिया। किरण ने कार्ड में बैलेंस करवाया मगर किरण को ना उन पर यकीन नहीं था। किरण ने बकायदा चेक किया कि उनका बैलेंस कितने का बैलेंस कराया किरण तूने। हाँ, और मैंने आपको वो रेड कलर की वो जो है ना स्पीडो दिखाई है ना, हमने उस तक पहुँचना है। और आप लोग दुआ करें आज मेरा फर्स्ट पेपर है और बहुत अच्छा हो और हम सबको अल्लाह का कामयाब करें। और 1 बजे का टाइम है और हम लोग टाइम पे पहुँच जाएं और हमें वही स्पीडो मिल जाए और वहीं पे खड़ी हो जिस पे हमने बैठ के जाना है। और जब इंसान इस पर कदम रखता है तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं आसमान की तरफ जा रहे हैं और बिना किसी मोमेंट के। और स्पीडो की तरफ हम लोग जा रहे थे और बस हमें ये था कि हमें ना फ़ौरन से स्पीडो मिल जाए और हमारी स्पीडो वहाँ पे खड़ी है और हमने बैठना है। और देखिए हम लोगों के नल की स्पीडो मिल गई और हम इसमें बैठने लगे हैं। और मोस्टली इसमें हमेशा हम लोग को बैठने के लिए सीट मिल जाती है और हम आराम सुकून से बैठ के जाते हैं। और किरण इस वाली सीट पर बैठती है और मैं सामने वाली सीट पर बैठती हूँ। स्पीडो में बैठ गए और आपको मैं रेड कलर की लाइट दिखाई है ना, वो इतना उसमें ना मुझे शोर डाला हुआ पूरी स्पीडो में जिसकी ना कोई बात नहीं है। और मैंने किरण को कहा कि किरण ये जो है ना लगता है इसमें ना कोई खतरा है ना हम बैठे स्पीडो में, मगर किरण को बस पेपर देने जाना चाहिए, हमारी जानी जान चली जाए मगर बंद कर दो। जिना हॉस्पिटल हम लोग पहुँच गए हैं अब, मगर 1 बजे का टाइम था, 12:30 बजे तक हम लोग अलहमदिल्ला पहुँच गए हैं। और अब जाके देखते हैं कि कॉलेज वाली सारा मतलब गर्ल्स आई हुई हैं या नहीं आई हुई, मगर हमें कंफर्म है, मुझे तो कंफर्म है हम लोग लेट बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और बस अभी इतना बड़ा जना हॉस्पिटल है कि जो जहाँ पे एग्ज़ाम देना है जिस हॉल में हमने जाना है उसको ढूंढने में आधा घंटा लग जाना है। तो बस अब हम जना हॉस्पिटल में ना एंटर होने लगे हैं। क्या पता नहीं, बताने में ना मिस्टेक हो गई, मुझे ये था कि जिना हॉस्पिटल के अंदर हॉल है वहाँ पे हमारे एग्ज़ाम्स होने हैं, मगर मुझे अभी किरण ने बताया कि हम लोग ने जिना हॉस्पिटल के अंदर नहीं जाना। मैं वहाँ पे पहुँची हूँ, मैंने कहा अंदर चले, वो कहती नहीं राफिया हमने अंदर नहीं जाना। और यही नहीं मुझे पता कि जाना कहाँ पर है, उसको भी कन्फर्म नहीं है। जैसे हम लोग अपनी जगह पर पहुँचते हैं फिर हम आपको बताते हैं कि हम लोग पहुँच गए हैं। और किरण दौरे लगाई जा रही है, उसको मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि तुम जहाँ पे एग्जाम देने हैं वहाँ तक पहुँचो, मैं थोड़ी ना ब्लॉग वगैरह बना लूँ। और आपको जैसा कि नज़र आ रहा होगा मौसम कितना प्यारा और कितना खूबसूरत है, और मतलब इतना अच्छा मौसम था कि धूप भी निकली हुई थी, मगर जो मौसम था ना बड़ा ही ठंडा ठंडा ना महसूस हो रहा था। और आज ये था कि पेपर भी ना अच्छा हो जाएगा। और ये स्टेयर्स चढ़ना बहुत मुश्किल है। और अभी जैसा कि आपको नज़र आया कि मेरी फ्रेंड एक जा रही थी यूनिफॉर्म में, मगर हम लोग उसको आवाज़ नहीं दे सकते क्योंकि वो बहुत दूर और आगे जा चुकी थी और किरण मेरे आगे लगी थी और मैं किरण के पीछे पीछे थी कि थोड़ी सी ना वीडियो वगैरह बना लूँ। इधर किरण दौरे लगा रही है और मैं किरण के पीछे हूँ। और एक अंकल नज़र आया ना अभी, का सबसे मुश्किल काम मुझे ये लगता है सीढ़ियाँ चढ़ना। ऐसे रिएक्ट किया तो मैं जैसे पता नहीं क्या हो गया, वो हमें हमारा कुछ नज़र आ गया, मैं आपको ऊपर से दिखाती हूँ। और ये रहा हमारा कॉलेज जो ना पुल पे खड़ा होकर हम लोग को नज़र आ रहा था जब मैंने देखा कि यूनिफॉर्म है ऊपर ही थे तो हमें ऊपर से कॉलेज नज़र आ गया। अब हम अंदर एंटर होने लगे, हमारी मैम वगैरह आई हुई है। और मैं फ़र्स्ट टाइम इस कॉलेज में आई थी और फर्स्ट एक्सपीरियंस ही था कि मैं यहाँ पे एग्ज़ाम से नहीं आई हूँ। और कॉलेज तो देखने में अच्छा लग रहा था। और सबसे पहले जाकर मैं नूरीन को गले मिली क्योंकि हम लोग काफ़ी देर के बाद मिली थी, क्योंकि नूरीन की और मेरी अटैचमेंट ज़रा सबसे ही अलग है। आपको जैसा कि पता कि मैं अबाया यूज़ करती हूँ तो अबाया यूज़ करती हूँ। अबाया चेंज करके हम लोगों ने फ़ौरन से फटाफट यूनिफॉर्म पहना, मैंने भी यूनिफॉर्म पहना। तो फिर जैसा कि आज हमारा फर्स्ट पेपर था और जो सारी लड़कियाँ थी ना वो मोबाइल वगैरह यहाँ पे रख रही थी कि हम लोगों ने क्लास एग्जामिनेशन हाल में तो लेकिन जा सकते थे।
और मेरा मोबाइल ज़रा किरण के पास था, उसको मैंने कहा मैं तेरे पास आऊँगा तो ना मैं तो ना वीडियो बना दी, वो उसने काफ़ी दूर जाकर भी मैं बाहर आ ही रही थी और उसने ना मेरी वीडियो बनाना शुरू कर दी और वो स्मेल इसमें ज़रा भी नहीं था। और अब आप लोग देख ही रहे होंगे कि मतलब बस खामोशी से मैं आई हूँ। हम लोग ना एक जगह बैठ के ना मतलब पेपर के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, MCQs किस तरह के हैं, मगर ये था कि जो आज वाला पेपर था ना बहुत अच्छा था, MCQs भी थोड़े बहुत इजी थे और पेपर भी काफ़ी अच्छा हो गया था, किरण का पेपर भी बड़ा ही अच्छा हो गया था। बस इसमें दो क्वेश्चन थे जो मुझे ना बिल्कुल समझ से बाहर थे, हम लोग वहाँ बैठ के ना तो इस तरह की बातें कर रहे थे और किरण को फिर मैं एंड पे ना कहा किरण ये जो मोबाइल का कैमरा ना इस तरह पकड़ा करो, और बकायदा मैं उसको बताया कि जब व्लॉगिंग करने के लिए मोबाइल को किस तरह पकड़ते हैं। तेरा पेपर कैसा हुआ? मेरा पेपर इतना अच्छा हुआ मैं तुम्हें बता नहीं सकती, और जो क्लास में ड्रामा लगा था वो तुम्हें नज़र आया है, और मैं मतलब इतनी मैं सर मैम ने लास्ट टाइम मुझसे पेपर लिया और मैम ने कहा क्रॉसिंग कर दो, और मैंने जहाँ पर लिखा हुआ था मैं वहाँ पर भी क्रॉसिंग कर रही हूँ। तो बंदा आँखें खोल के करता है ना, मैंने तुम्हें मैंने क्या नहीं किया, मतलब MCQs मैंने सारे किए हैं और बोल क्या था क्वेश्चन मैंने चार इन द ब्लैंक्स उनमें से मुझे फिलिंग द ब्लैंक्स मैंने एक किए आप बता रहे पास 10 नंबरों में से बस एक नंबर की इंशाल्लाह पास हो ही जाऊंगी। और मैं हैरान हूँ कि मतलब पेपर इतना टफ था कि मुझे देख के नहीं था पढ़ना आ रहा। अच्छा आज हमारा पेपर था और हमारा आज फर्स्ट पेपर था, और आप लोगों को पता है कि इस पेपर में हमारी कितनी भाग दौड़ लगी रही, हम फटाफट आए और टाइम भी हमारे साथ 12 बजे का था मगर हम लोग 1 बजे पहुँचे। और सबसे ज़्यादा मुझे टेंशन थी मेरे नेल्स की, और मेरे जो नेल्स थे बहुत बड़े थे, और मुझे ये था कि प्रिंसिपल मैम है मेरी नेल्स ना देख लें, अगर उन्होंने नेल्स मेरे देख लो ना मेरी कुत्तों वाली बेइज्जती करनी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो फर्स्ट पेपर था वो बहुत अच्छा हुआ है, और इंशाल्लाह करें कि जो हमारे सारे पेपर हम सारे बहुत अच्छे हों। वैसे ना मेरा बहुत ज़्यादा टफ पेपर था मगर मुझे लगा नहीं पेपर टफ था, उतनी मेरा मूड इतना फ्रेश था कि मुझे बाबा हंसी ही आई जा रही थी ना। एक टाइम पे ना जो हमारा ना मुंह बना ले कर आपने सारे के सारे MCQs कर लिए और आपने मुझे नहीं कराया, जब ऑब्जेक्टिव आया ना और मैंने करना शुरू किया ना हमारा ने फुल टाइम ना बताया कि आपने पता नहीं कितना अच्छा पेपर कर लिया और आपने मुझे बताया भी नहीं है, और जब ऑब्जेक्टिव आ गया 20 मिनट गुजर गए वो मुझे कहती ना आपने तुमने कितना किया, मैंने कहा यार देख मेरा पेपर ना बिल्कुल खाली है, मैंने अभी तक पेपर में कुछ भी नहीं लिखा है, ऑब्जेक्टिव था मैं सोच रही थी, मतलब मैंने जितना भी सारा याद किया था ना वो सारा मिक्स हो गया था, मुझे समझ नहीं थी आ रही मैं क्या लिखूं क्या ना लिखूं। मिलिया यही कह रहा है मैं पेपर्स कितनी टेंशन है, इतनी टेंशन है, मुझे तस्लीम मिली है और तस्लीम को पेपर्स कितनी टेंशन है, इवन कि मैं भी पेपर दे के आई हूँ और मेरे से लाइक माशाल्लाह से तस्लीम है, और मैं तो जो मुझे 10 दिन में एक चीज़ याद होती है ना वो एक घंटे में करके फारिग होती है, फिर भी उनके रोने ख़त्म ही नहीं हो रही, ये ना बड़ी मिसनी है अच्छा करके भी नहीं कहती है, हमारा जो पेपर है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ है। मैंने हुमैरा को मनाया, मैं कहा यार देख ले मैंने भी मतलब अगर थोड़े बहुत MCQs थे मैंने फोर्थ ईयर वालों से ना पूछ के ना फिर किए हैं, इतना अच्छा पेपर मेरा भी नहीं हुआ, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक हम सबको कामयाब करे और हमारे अच्छे नंबर में पास हो, टॉप तो मैं गंडे से नहीं मगर पास हो जाऊँ ये बड़ी बात है। मेरी पूरी क्लास में से मुझे किसी ने पेपर नहीं बताया, एक MCQs भी नहीं बताया, किरण तो मेरे साथ बैठी नहीं थी, हाँ नूरीन ने मेरी काफ़ी हेल्प आउट की है और जो रिहा थी वो तो मतलब रहने ही दी, मेरे ख्याल से तो मुझे लगता है बहुत अच्छा पेपर देगी, मुझसे दिया नहीं टीम के ना शुरू से आता है ये कॉलेज टाइम में भी बिल्कुल टाइम पे नहीं आती, और आज हमारा और आज हमारा फर्स्ट पेपर था और ये टाइम पे नहीं आई, तकरीबन पूरा आधा घंटा लेट आई है, और उसकी जो चेयर थी बाहर से आके फिर उन लोगों को डलवा। काफ़ी देर के बाद ना फिर हम लोग को ना रिक्शा मिल गया, पैदल चल चल के ना हमारी ना बस हो गई थी, तो इन सबको मैंने कहा खाली रिक्शा इसी में बैठ के ना फटाफट कलमा चौक पहुंच जाते हैं, वहां से मेट्रो मिलेगी और सब आराम से अपने अपने घर पहुंच जाएंगे। मुझे लगता है कि दोनों पेपर को डिस्कस करती हुई ना आगे आराम आराम से जा रही थी क्योंकि सबको पेपर की टेंशन, और अल्हम्दुलिल्लाह आज का मेरा जो फर्स्ट पेपर था वो बहुत अच्छा और बहुत बहुत अच्छा और आउट क्लास हो गया, मुझे उम्मीद नहीं थी मेरा पेपर इतना अच्छा होगा मगर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया। इसलिए अगर आपको मैं छोटा सा व्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना, और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दिया करें, और मेरे सब्सक्राइबर भी बहुत थोड़े से हैं। अल्लाह हाफिज़।